अखिल भारतीय किसान सभा और किसान मोर्चा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों को अपना समर्थन दिया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं पटवारी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रांतीय महासचिव प्रहलाद दास बैरागी ने अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर पटवारियों से पहुंचकर की मुलाकात। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव प्रहलाद दास बैरागी ने लगाया मध्य प्रदेश सरकार पर मनमाने ढंग से विधायकों, मंत्री और राज्य मंत्रियों का वेतन भत्ते बढ़ाने का आरोप। आपकी डिमांड तो बहुत कम है, लेकिन जो हमारे वोट से सरकार चला रहे हैं, डिमांड तो बहुत कम है, लेकिन जो हमारे वोट से सरकार चला रहे हैं और जो सरकार में बैठे हुए हैं, उन विधायक और मंत्रियों की तनख्वाह ये अपने मर्जी से बढ़ाते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश के विधायकों को 2016 के पहले डीएडीए भत्ता करके एक विधायक को 1,10,000 रुपए महीना मिलता था, लेकिन 2016 में इन्होंने एक संशोधन कैबिनेट ने संशोधन पारित करा, उसमें 2016 के बाद जब विधायक को 71,000 तनख्वाह मिलती थी, उस तनख्वाह को इन्होंने 1,10,000 रुपए बढ़ाया। जिस कैबिनेट मंत्री को 1,20,000 मिलता था, उस कैबिनेट मंत्री को 1,70,000 मिलने लगा और राज्य मंत्री को 1,20,000 मिलता था, उसकी जगह 1,50,000 मिलने लगा। तो हमारे जनप्रतिनिधि अपनी तनख्वाह तो कैबिनेट में बैठ के बढ़ा लेते हैं। जो देश का मजदूर किसान हार्ड कोर मेहनत करता है, उसके लिए इनके खजाने में पैसा नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि इनको तत्काल जो आपकी को जो मांगे हैं वो ना के बराबर है, क्योंकि आपकी को जो 25 साल पुरानी मांगे हैं कि 2100 से 2800 का ग्रेड दिया जाए, 300 प्रति माह जो यात्रा भत्ता मिलता है।